हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल, इस पर आप डिस्कस करने वाली हूँ एमलगमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, परचेज कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, परचेज कंसंट्रेशन हमारे चार तरीकों से निकलता है, नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, स्वैप मेथड, लमसम पेमेंट मेथड। हम इस पर चारों मेथड देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरी आगे वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, परचेज कंसंट्रेशन से पहले एक और वीडियो आ चुकी है कि अमलगमेशन क्या होता है और उसके दो टाइप हैं, उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमने बात करी है, इसके बाद एक वीडियो आने वाली है जिसमें हमने न्यूमेरिकल पार्ट देखा है। जो दो न्यूमेरिकल आएंगे इसमें फुल कवरेज है, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि परचेज कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अमलगमेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो तीनों वीडियो देखना ना भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं परचेज कंसंट्रेशन। परचेज कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ अ प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी। इसमें क्या होता है, जैसे एक ए कंपनी और एक बी कंपनी है, ये हम बात करते हैं, एक मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है। मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहती हूँ, तो क्या होगा, आप जितने पैसों में उस कंपनी को मुझे बेचने को रेडी हो, वो क्या है, परचेज कंसंट्रेशन। प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी, एक मैं हूँ, मैंने आपकी कंपनी खरीद ली, आप रेडी हो गए कि मैं 15 लाख में अपनी कंपनी बेच दूंगा, और मैंने 15 लाख में आपकी कंपनी खरीद ली, तो जो 15 लाख हुए वो क्या हुआ आपका, परचेज कंसंट्रेशन। हमने मेथड देखे कि इसके चार मेथड होते हैं, आगे हम इसको एक करके समझेंगे कि कैसे मेथड कैसे हम निकालेंगे। इसके बाद एक लाइन देख लीजिए, इसमें क्या है, पहले हम जो हमारा टेबल बनी हुई है उस पर देखते हैं, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, एक मैं और एक आप, ठीक है। तो मैं हूँ, आपकी कंपनी खरीदना चाहती हूँ, और आपकी कंपनी जो वर्थ है, उसकी जो नेट असेट वैल्यू है वो कितनी है, 10 लाख रुपये। अब नेट असेट वैल्यू क्या होती है, सब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेट असेट। नेट असेट वैल्यू होती क्या है, जितनी भी आपकी असेट्स होती हैं, ठीक है, उसमें से अगर हम लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, मतलब जितनी भी हमें लोगों को पे करना है हमने उसके बाद माइनस कर दिया, उसके बाद जो मेरी असेट बैठ रही है वो मेरी नेट असेट, ठीक है, जो कंपनी वर्थ रखती है। तो आपकी कंपनी जो है वो वर्थ रखती है 10 लाख रुपये, अब मैं उसको 11 लाख में परचेज कर रही हूँ। ये टेबल देखो, आपकी कंपनी क्या है, कितने की वर्थ रखती है, नेट असेट उसकी वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपये, और मैं कितने को आपको पे करने को रेडी हूँ, 11 लाख रुपये। मतलब मैं आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ आपकी वर्थ के हिसाब से, तो वो क्या है, आपकी गुडविल है, आपकी वैल्यू है मार्केट में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पे कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को क्या लगेगा, जितने सस्ते में मुझे आपकी कंपनी मिल जाए, ठीक है, पर मैं आपको 11 लाख देने को रेडी हूँ। तो अगर कोई कंपनी आपको नेट असेट से ज़्यादा देती है तो वो आपका गुडविल, और अगर कम देती है तो आपका किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में। देखो यही लिखा हुआ है मैंने, इफ द परचेज कंसंट्रेशन एक्सीड द नेट असेट वैल्यू देन द एक्सेस अमाउंट इज रिकॉर्डेड एट द गुडविल, वाइल इफ इट इज लेस देन द नेट असेट्स वैल्यू इट इज रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल रिजर्व। इतना क्लियर हो गया सबको, आगे चले। अब हमने बात की थी लमसम पेमेंट मेथड की, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये बहुत रेयर, मतलब आता नहीं है पेपर में, बस जब हमें पता आता है पेपर में कैसे कि आप अमलगमेशन को डिफाइन कर दो, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है उसके टाइप्स बता दो, तब आपको ये लमसम पेमेंट लिखना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, बहुत जल्दी ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लमसम पेमेंट के क्या है, फिर वो एग्जांपल, एक मैं और एक आप, ठीक है, मैं आपकी कंपनी खरीद रही हूँ और आप अपनी कंपनी कितने में बेचने को रेडी हो, 40 लाख रुपीज में। जो 40 लाख क्या हुआ, परचेज कंसिड्रेशन, ठीक है, पढ़े, द अमाउंट ऑफ परचेज कंसेंट्रेशन टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर अमलगमेटिंग, चाहे वो मर्जर हो या परचेज। हमारा अमलगमेशन दो टाइप से निकलता है, एक हमारा निकलता है मर्जर और एक निकलता है परचेज। ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप पहली इसकी जो वीडियो ऑलरेडी है वो आप एक बार देख लोगे तो आपको ये वाला टर्म क्लियर हो जाएगा। इट्स बिजनेस, तो एग्जाम्पल क्या था, ए ने टेक ओवर किया बी का बिजनेस, कितने में, 40 लाख रुपीज में, तो 40 लाख क्या हो गई, परचेज कंसंट्रेशन, जो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा स्वैप मेथड। चार मेथड हमें देखने हैं, हम एक मेथड पढ़ चुके हैं। स्वैप मेथड में क्या है, एक ए है, अगेन एक बी है, ए की मैंने बैलेंस शीट दे रखी है और बी की भी अगेन मेरे को बैलेंस शीट दे रखी है।
ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ कि आपको फिक्स असेट पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या है, करंट असेट्स क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जनरल रिजर्व क्या होते हैं। अगर आपको इनमें टर्म में कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल में शेयर दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, जनरल रिजर्व है, हमारी करंट लाइबिलिटी दे रखी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दे रखी है। अगेन असेट साइड में फिक्स असेट दे रखी है और हमें करंट असेट्स दे रखी है। बी में भी यही है। अब हमें क्या करना होता है स्वैप मेथड में, जितनी भी हमारी असेट होती हैं ए की और बी की, उन्हें हमें एडअप करना होता है। अगेन जो उनकी इतनी हमारी लाइबिलिटी होती हैं, करंट असेट्स भी और लॉन्ग टर्म असेट्स भी, उनको हमें एडअप करना होता है। और क्या करना होता है, हमें सबट्रैक्ट, नेट असेट वैल्यू निकालने के लिए। हमने नेट असेट पढ़ा भी था ना क्या होता है, तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर क्या था, देखो ए की हमने टेबल बनाई, ए की जितनी भी मेरी असेट्स थी वो मैंने ले ली, चाहे वो फिक्स असेट्स हो या मेरी करंट असेट्स हो। अगेन मैंने बी का भी ऐसे ही किया, फिर लाइबिलिटीज को मैंने ऐड कर दिया और मैं तब सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, नेट असेट वैल्यू। स्वैप मेथड में हमें दो चीज़ें काम होती हैं, क्योंकि हम इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते हैं शेयर्स की, तो शेयर्स की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो शेयर्स तो हमें पता होने चाहिए। अगर आपने बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखी थी तो ए के कितने शेयर्स थे, 20,000 रुपीज़, और बी के कितने थे, 9,000 रुपीज़। एक बार चेक कर ले, देखो ए के शेयर्स कितने हैं, 20,000 रुपीज़, जिनकी शेयर की कॉस्ट कितनी है, 10 ईच है, इसलिए यहाँ पे 2 लाख आ गया। और बी की हम बात करें तो उसके शेयर्स कितने हैं, 9,000 उसके शेयर्स हैं, जो अगेन कितने के हैं, 10 ईच के हैं शेयर्स। मतलब मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास। तो अगेन मैंने क्या करा, नेट असेट वैल्यू अपॉन शेयर्स कर दिया, तो मेरे पास पर शेयर की कॉस्ट आ गई। अब ये कैसे समझ में आया, ये तो कैसे समझ में आया, अगर आप 20 टॉफी लाए हो 10 रुपए की, कितनी 20 टॉफी लाए हो 10 रुपए की, तो मेरे पास एक टॉफी का रेट निकल जाता है, क्योंकि मैं 20 डिवाइड बाय 10 कर देती हूँ, तो एक टॉफी 1 रुपए की 2 टॉफी आ गई है। ठीक है, ऐसी ही क्या है, मेरे को नंबर ऑफ की मतलब एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, तो नेट असेट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगी, तो मेरे पास एक शेयर की कॉस्ट आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे हम इसमें एक्सचेंज वैल्यू निकालते हैं। अब क्या है, एक की आई है 30 और एक की आई है 20, मतलब 60 इसका एलसीएम हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ए के शेयर खरीदने जाऊं 60 रुपीज़ के, तो मेरे पास कुल 2 शेयर्स आएंगे, और वैसे मैं बी के शेयर्स खरीदने जाऊंगी तो मेरे पास 3 शेयर्स आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई शेयर्स की। क्लियर हो गया ये मेथड, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय बी लिमिटेड, द कंसेंट्रेशन बीइंग द टेक ओवर ऑफ द लायबिलिटीज इन द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसेंट्रेशन नॉट एक्सीड ₹20,000, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसकी, 17,000। नेक्स्ट पॉइंट है द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख एट द प्रीमियम ऑफ 10% इन 9% डिबेंचर्स इशू एट पार। हमने देखा था हमारे 3 तरह के इशू होते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। तो इसमें हम डिबेंचर्स कंसिडर नहीं करते, तो हमें ये कैलकुलेट करना ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पेमेंट ऑफ ₹16 पर शेयर, 16 पर शेयर। ठीक है, इसमें हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था टॉफी वाला, तो वही है कि इसमें जैसे हमने निकाला था 20 हम टॉफी लाए 10 रुपीज़ की, तो एक के हमें 2 टॉफी आई, तो ऐसे इसमें रेट दे रखा है और हमें बोला है कि हमने ₹16 पर शेयर के हिसाब से पे करा है। तो शेयर्स कितने हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द वेंडर कंपनी आर कितना, 2 लाख ऑफ रुपीज, हर शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। तो अगर मैं इस वाले से बात करूँ तो मेरे कितने हैं, 2 लाख × 10 करूँगी मैं, 20 लाख हो जाएगा। बट मुझे भी शेयर की बात करनी है कि उसने शेयर कितने से दे दिया है, 16 रुपये से। तो 2 लाख × 16, तो हम टेबल पे देखते हैं कि हम परचेज कंसिडरेशन तब निकाल रहे हैं, तो क्या है, कैश पेमेंट टू शेयर होल्डर 2 लाख × 16, तो मेरा कितना आ गया, 32 लाख। देन हम बात करते हैं, हमने क्या किया था इसमें, हमने इक्विटी लेते हैं और प्रिफरेंस शेयर्स भी लेते हैं। अलॉटमेंट ऑफ 114% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड फॉर ईच
एवरी फोर शेयर ऑफ ए लिमिटेड, मतलब बी का एक प्रेफरेंस शेयर्स और ए लिमिटेड के फोर शेयर्स एक की बात है। तो इसमें अगर हम निकालेंगे हमें कितने शेयर्स देने हैं, कितने कॉस्ट के देने हैं, तो क्या है हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। तो 2 लाख जो है इंटू हम 1 करेंगे, क्योंकि बी का शेयर कितना है 1, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 5 से 20, हमारे पास 50,000 रुपीज़ शेयर्स आएंगे, जो मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी 10 ईच से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो 14% प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं ₹10 ईच फॉर एवरी, तो 4 शेयर हेल्ड इन ए, तो दैट इज़ 2 लाख अपॉन 4, जो हमारा निकला 50,000 रुपीज़, हमने उसको 10 से किया इंटू, तो हमारी ये पूरी टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, 5 लाख रुपए उन शेयर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा वैल्यू है, उसकी कितनी वैल्यू है इक्विटी शेयर की, 6 है, तो 6 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 4 निकल जाएगा, इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 50,000 रुपीज़ इंटू 6 इंटू 10, तो यहाँ कितना आ गया मेरा 30 लाख। ठीक है, तो कैश पेमेंट समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, प्रेफरेंस शेयर भी समझ में आ गया, और हमने लास्ट में इक्विटी भी देखा, तो सबको मिला गया कि इतना उसने कैश पे किया, इतना उसने प्रेफरेंस शेयर्स पे किया, और इतना उसने इक्विटी पे किया, मेरा क्या आ गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या इतना बी को पे करना पड़ा ए को ख़रीदने के लिए, तो ये हो गई उसकी परचेज कंसिडरेशन। लास्ट मेथड देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है, नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड में क्या होता है, हम नेट असेट से समझ रहे हो कि नेट असेट निकालनी है, ठीक है, और हमें पता है नेट असेट कैसे निकालती है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी देखा था कि सारी हम जो हमारी असेट्स होती हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं और लाइबिलिटी से माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है, नेट असेट। सेम हमें इसमें ऐसे ही करना है, तो असेट टेक ओवर बिल्डिंग, इतनी उसने उन्हें टेक ओवर करी, देन उसने लाइबिलिटीज़ ली, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो बिज़नेस है ए का वो टेक ओवर किया है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 2 लाख है, प्लांट की 4,65,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई, फर्नीचर भी यहाँ मैंशन है, इन्वेंट्रीज़ मैंशन है, देन इन्वेंट्री सबको पता है क्या होता है, इन्वेंट्री हमारा होता है स्टॉक, हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी, हमने इन्वेंट्री की बात करी, उसने रुपीज़ 1,20,000 रुपीज़ फ्रेंड, हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट असेट मेथड की। नेक्स्ट असेट मेथड हम पहले देख चुके हैं कि नेट असेट वैल्यू कैसे निकलती है, हम अपनी असेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, चाहे हमारी असेट वो करंट असेट हो या हमारी करंट लाइबिलिटी हो, ठीक है, असेट में करंट असेट हो सकती है और करंट लाइबिलिटी, सॉरी, असेट्स में आपकी दोनों असेट्स हो सकती है, करंट असेट्स और फिक्स असेट, लाइबिलिटी में हमारी दोनों लाइबिलिटी हो सकती हैं, करंट लाइबिलिटी और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट अपना जो हमारा आखिरी मेथड है हम वो देखने वाले हैं अब यहाँ पे। ये वाला जो मेथड है ये हमारा नेट असेट मेथड है। नेट असेट कैसे निकलती है वैल्यू, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं फर्स्ट में, कि हम जितनी हमारी असेट्स होती हैं, चाहे वो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं या हमारी फिक्स करंट असेट्स होती हैं, मतलब फिक्स असेट या करंट असेट, उसको हम ऐड करते हैं और हमारी लाइबिलिटी, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो या करंट लाइबिलिटी, उनको ऐड करके आपस में माइनस कर देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी एक बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, उसमें क्या है, द फॉलोइंग बैलेंस हैज़ बीन टेकिंग ओवर फ्रॉम द बुक ऑफ बी, और इसमें आपकी कॉस्ट चेंज होंगी, जैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ए लिमिटेड इंटेंट टू टेक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ए जब टेक ओवर कर रहा है बी का बिजनेस, तो उसकी कुछ अपनी टर्म्स हैं और ये हमारी बी की बैलेंस शीट है, मतलब वो कह रहा है कि बी की जो बिल्डिंग है, जो इसकी बुक्स में 2,40,000 की है, मैं उसको 2 लाख में ख़रीदूँगा, जो इसकी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी है वो जो 5 लाख
10,000 की है, वो मैं कितने खरीदूंगा, 4,65,000 की। तो जो हमारी एक्चुअल इसमें लिखा होता है ना कि मैं इतने में इसको टेक ओवर करूंगा, हम इतने में इसको मैं टेक ओवर करूंगा, हम वही वैल्यू उठाते हैं। तो देखो बिल्डिंग की सेम डिटो यही वाली अमाउंट है जो उसमें लिखी हुई है, 2 लाख। प्लांट की भी, मशीनरी की भी यही, फर्नीचर की भी यही, इन्वेस्टर की भी, इन्वेस्टमेंट की भी यही। स्टॉक में क्या है, स्टॉक इसमें हमारा इन्वेंट्रीज लिखा हुआ है। इन्वेंट्रीज और स्टॉक का मतलब एक ही होता है। इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री और स्टॉक अलग अलग लिखा हुआ है, नहीं तो अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री का यूज़ हुआ है तो हर जगह इन्वेंट्री ही यूज़ होता है, और स्टॉक यूज़ होता है तो स्टॉक ही यूज़ होता है। तो हमने ऐसे क्या करा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट का जो MV वैल्यू है वो सब हमने क्या करा, नोट कर लिया एक जगह अपनी असेट में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, डेटर्स। उसने कहा है जो डेटर्स है ना आपके, वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 10% फ्रॉम डाउटफुल डेब्ट्स। तो जितना मेरे डेटर्स थे उसका 10% क्या होगा, 1-0 हटा दूंगी। तो उससे मेरी इसलिए अमाउंट कितनी आ रही, 3,12,000, और माइनस मैंने क्या करा, 31,200। तो मेरे डेटर्स की अमाउंट आ गई। सेम ऐसी बिल रिसिवेबल किया, कैश इन हैंड किया, और कैश इन बैंक किया। गुडविल उसने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल क्या है, निल है, तो मैंने गुडविल यहाँ मेंशन नहीं करी क्योंकि निल है। ठीक है, लास्ट मैंने एक प्रीमरी एक्सपेंसेस छोड़ दिया। प्रीमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रीमरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रीमरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब आप कहोगे तो बुक्स में बहुत टाइम तक रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, जितने खर्चे करे होते हैं, जो एक्सपेंस करे होते हैं, वो आपके 1 या 2 साल में ही सारे रिकवर हो जाए, उनको टाइम लगता है थोड़ा। पर हम यहाँ पे ये प्रीमरी एक्सपेंसेस नहीं ले रहे, हम खाली असेट्स की बात कर रहे हैं। तो जितना था मेरा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, वो सब मैंने असेट साइड लिख के इसको ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ में भी इसने मेंशन कर रखा है, जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, 26,000 है किसके, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में। टैक्स कितना है, 40,000 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स उसने पेड करे हैं कैश में, और जो बैलेंस है वो इक्विटी उसका इतना है। तो सेम मैंने क्या करा, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट थी क्रेडिटर की, बिल्स पेबल की, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फंड की, वर्कमैन कंपनसेशन की, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की, और आपके 10% डिबेंचर्स की, वो सब मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर लिया और टोटल अपना लायबिलिटी वैल्यू निकाल ली। देन हम बात कर देते कि हमारा नेट असेट वैल्यू कैसे निकलती है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगेन हमने परचेस कंसंट्रेशन निकालने के लिए वो ही किया है कि हमने असेट माइनस लायबिलिटी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी थोड़ी, कि कैसे हमारे 4 मेथड होते हैं और अलग अलग मेथड कैसे निकालते हैं। कि हम कई बार बुक से पढ़ते हैं तो हम मेथड में बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि लमसम मेथड में क्या था, नेट असेट में क्या था, और हमारा नेट पेमेंट में क्या था, स्वैप रेशो क्या बोलता है। तो इसमें क्या है, एक ही वीडियो में सारे आपके मेथड है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आराम से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे ऐसी वीडियो के लिए।